हे फूडीज, वेलकम टू पूजाज फूडेबल चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना हैंड बीटर के हैंड ब्लेंडर से व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाएं, जो कि बहुत मुश्किल होता है बनाना, लेकिन मैंने व्हिपिंग क्रीम इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से बनाई है। थोड़ा ट्रिक के साथ आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें व्हिपिंग क्रीम के लिए एक लंबा सा बर्तन लेना होगा। मैंने यहाँ पर स्टील का जग लिया है। आप कोई भी कांच का गिलास, बड़े वाला ले सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसी लंबी सी चीज। मैंने यहाँ पर विपो स्टार की व्हिपिंग क्रीम ली है। ये मेरा इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर है, इससे हम आज व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें बनाने में, आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। इस हैंड ब्लेंडर को मैंने चला दिया है और इसको ऊपर नीचे घुमाएंगे। इसको हम ऊपर को नहीं निकालेंगे, इसको अंदर ही अंदर हम इसको व्हिप करते रहेंगे। धीरे धीरे हम चलाएंगे। अगर आपको लगे कि ये गर्म हो गया है तो हम फिर से इस व्हिपिंग क्रीम को जग को फ्रिज में रख सकते हैं 15 मिनट के लिए। ठंडा हो जाएगा, अब फिर से हम इसको घुमाएंगे। मैंने बीच बीच में ये प्रोसेस किया था। ये देखिए, हम धीरे धीरे इसी ट्रिक से थोड़ा गोल गोल घुमाना है और ऊपर नीचे इसको घुमाना है हैंड ब्लेंडर को। अगर आपको गर्म लगता है आप फिर से फ्रिज में रख सकते हैं। इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपकी क्रीम बहुत जल्दी बन जाएगी। ये देखिए, बनना रेडी हो गई है, बिल्कुल थिक हो चुकी है व्हिप क्रीम। अभी नहीं तैयार हुई है, ये फ्लो हो रही है। हम फिर से चलाएंगे इसे, इसको फिर से हम ऊपर नीचे करेंगे हैंड ब्लेंडर को और गोल गोल घुमाएंगे, अंदर ही अंदर करेंगे, इसको ऊपर नहीं घुमाना है हमें। आप इसी ट्रिक के साथ इसको व्हिपिंग क्रीम बनाएंगे, आपकी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी व्हिपिंग क्रीम। ये देखिए, रेडी होने वाली है। ये देखिए, हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे क्योंकि हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते। अगर क्रीम बनने के बाद हमने ओवर हैंड ब्लेंडिंग की तो ख़राब भी हो सकती है हमारी व्हिपिंग क्रीम, तो इसलिए हमें बीच बीच में चेक भी करते रहना है। लगभग इसको बनने में हमें 10 मिनट लगते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे रेडी हो रही है। ये देखिए, बनना शुरू हो गई है। हम चम्मच से चेक करते रहेंगे ये कितनी जल्दी कितनी गिर रही है। अभी भी हुई नहीं है। इसको ऐसे ही इसी प्रोसेस से हम घुमाते रहेंगे हैंड ब्लेंडर को। हमारी व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए जब हम बनाने के लिए करते हैं रेडी। ये देखिए, काफ़ी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ, गिर भी नहीं रही है नीचे को, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 10 मिनट में बनकर तैयार हो गई है हमारी व्हिपिंग क्रीम, बहुत अच्छी बनी है। आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, जेल कलर आपके पास हो तो आप उसे यूज़ कीजिए। ये लिक्विड कलर है मेरे पास, लेकिन इसे थोड़ी व्हिपिंग क्रीम पतली हो जाती है। आप जेल कलर यूज़ कीजिएगा, कोई भी कलर आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, मेरा रेड कलर मैंने डाला है तो ये पिंक कलर हो गया है। जनरली वाइट में रेड कलर डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है, तो इसका कलर हम पिंक बनाने के लिए रेड कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा अगर आपको लगे पतली हो गई है हमारी व्हिपिंग क्रीम तो वापस से आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है और नोज़ल से ये सारी व्हिपिंग क्रीम डिज़ाइन कर रही हूँ मैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को, आप भी इजीली बना सकते हैं, आपको किसी भी हैंड बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।